ये हमारी व्रत के लिए बहुत ही हेल्पफुल रेसिपी बन के तैयार हो गई है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी है। नमस्कार, रीना की रसोई में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बनाएंगे साबूदाने की खिचड़ी, क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं तो फास्ट के लिए तैयार करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साबूदाने की खिचड़ी के लिए मैंने ये एक कटोरी साबूदाने लिए हैं। ये भीगे हुए हैं, मैंने इनको 5 से 6 घंटे पहले भिगो दिया था। अब इनको मैंने पानी से अलग कर लिया है। 1 चम्मच मैंने जीरा लिया है, नमक ये फास्ट वाला नमक है, सेंधा नमक, और ये 1 चम्मच लिए काली मिर्च, 2 टमाटर लिए, 3 आलू लिए, ये हरे धनिए की पत्ती है, 2 हरी मिर्च है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई ली है, इसमें हम ये 1 चम्मच देसी घी डाल लेते हैं। आप ऑप्शनल है, आप तेल यूज करें तो तेल कर सकते हैं, घी करें तो घी कर सकते हैं। आप इसको अच्छे से गरम कर लेते हैं। देखिए घी हमारा अच्छे से गरम हो गया। अब इसमें डाल लेते हैं जीरा, और जीरे को हम अच्छे से भून लेते हैं। जीरा भुन गया है, अब इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च। यह हरी मिर्च भी हमारी भुन गई है। अब इसमें डाल देते हैं कटे हुए आलू। आलू हमने कच्चे लिए हैं, बॉयल किए हुए नहीं लिए हैं। इनको हम थोड़ा सा पका लेते हैं पहले। ये देखिए आलू हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें हम डाल लेते हैं ये टमाटर कटे हुए, और इनको भी इसमें पका लेते हैं। अब इसमें डालेंगे हम ये काली मिर्च। काली मिर्च आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने ऑलरेडी पहले ही हरी मिर्च डाल चुकी है। आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा पका लेते हैं अपने टमाटरों को भी। ये देखिए टमाटर हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें डाल देते हैं अपने साबूदाने, इनको हमने पहले ही भिगो लिया था, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हमारे दाने दाने अलग अलग हो गए हैं। अब इसको थोड़ी सी देर पका लेते हैं। अब इसमें हम डाल लेते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें ऊपर से डाल देते हैं ये हरा धनिया। और ये देखिए हमारे साबूदाने की खिचड़ी बनके तैयार हो गई है। इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए हमारी साबूदाने की खिचड़ी बनके तैयार हो गई है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने अपनी साबूदाने की खिचड़ी को प्लेट में निकाल लिया है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी तैयार हुई है। गाइस, ये रेसिपी आप भी ट्राई कीजिए, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।